नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एहतियाती तौर पर शहर के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। करीब 10 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार 98 वर्षीय अभिनेता को उपनगर खार स्थित हिंदुजा अस्पताल में कल भर्ती कराया गया और अब उनकी तबीयत ठीक है। ये अस्पताल कोविड-19 केंद्र नहीं है। अस्पताल से जुड़े एक सूत्र ने बताया, उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद कल दोपहर का अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी उम्र और हाल में अस्पताल में भर्ती कराए जाने के मद्देनज़र परिवार ने एहतियाती तौर पर उन्हें अस्पताल लाने का फैसला किया। वे ठीक हैं, वे गहन चिकित्सा विभाग आईसीयू में भर्ती हैं ताकि चिकित्सक उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख पाए। दिलीप कुमार को सांस में तकलीफ के कारण 6 जून को भी इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उनके फेफड़ों के बाहर तरल पदार्थ एकत्र हो गया था जिसे चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक निकाल दिया था और 5 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। दिलीप कुमार ने 1944 में ज्वारभाटा फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और अपने 5 दशक लंबे कैरियर में मुगल ए आजम, देवदास, नया दौर, राम और श्याम जैसी हिट फिल्में दी हैं। वह आखिर बार 1998 आई फिल्म किला में नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।